गर्मी का सीजन शुरू होते ही पानी की समस्या शुरू हो जाती है। मध्य प्रदेश के कटनी जिले का ढीमर खेड़ा विकासखंड अंतर्गत आने वाला सिरौली ग्राम पंचायत का एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई, जहां प्रशासनिक व्यवस्थाओं की सारी पोल खुलती हुई नजर आ रही है, जिसकी लापरवाही का ठीकरा रहवासी पर फूट पड़ा। बता दें कि पानी की पाइपलाइन की मोटर जल जाने से एक नहीं बल्कि 7 वार्डों में पानी पीने का संकट खड़ा हो गया और सभी वार्डवासी गंदे पोखर तालाब से गड्ढा खोदकर पानी लाने को मजबूर हैं। बताया जा रहा है कि जनपद सीईओ और ग्राम पंचायत तक की घोर लापरवाही सामने आई, जो विगत 5 दिन से ट्यूबवेल का मोटर जलने के बाद रिपेयर नहीं करा सके। वहीं इस पानी की समस्या से जिम्मेदार भी बचते नजर आए। ये कटनी से आपको खबर बता रहे हैं, जहां गर्मी शुरू होते ही पानी की किल्लत से लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ये तस्वीरें डीमरगढ़ खेड़ा विकासखंड अंतर्गत आने वाले सिरौली ग्राम पंचायत की हैं, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं और लंबी दूर तक पैदल चलकर पानी लाने के लिए उनको जाना पड़ता है। ये वहीं की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां प्रशासनिक व्यवस्थाओं की सारी पोल अब खुलती हुई नजर आ रही है। साथ ही आपको बता दें कि इसकी लापरवाही का ठीकरा रहवासियों पर फूट पड़ा, जहां पानी की पाइपलाइन की मोटर जल जाने से एक नहीं बल्कि 7 वार्डों में पानी की समस्या से लोगों को परेशान होना पड़ रहा है और सभी वार्डवासी गंदे पोखर तालाब से गड्ढा खोदकर पानी लाने के लिए मजबूर हैं। ये कटनी से सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है और पानी की किल्लत से जूझ रहे लोग गंदे तालाब से पानी लाकर पीने को काफी मजबूर हैं। बताया जा रहा है कि जनपद सीईओ और ग्राम पंचायत तक की घोर लापरवाही इस मामले में सामने आई, जो विगत 5 दिन से ट्यूबवेल का मोटर जलने के बाद रिपेयर नहीं करा सके। वहीं इस पानी की समस्या से जिम्मेदार भी बचते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि कटनी के जिस गाँव की ये तस्वीरें हैं, वहां पानी की किल्लत से लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं और कई दूरी तक जाकर उन्हें गंदे तालाब का पानी पीने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लोग पानी की समस्या से परेशान हैं। विगत यहां 5 दिन से जो ट्यूबवेल का मोटर है वो जल चुका है और उसको अभी तक रिपेयर नहीं कराया गया। वहीं इस समस्या से जिम्मेदार भी बचते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि लगातार ये समस्या कटनी में बनी हुई है और इसको लेकर अधिकारियों से भी गुहार लगाई गई मदद की, लेकिन अभी तक जो मोटर जली थी उसको रिपेयर नहीं कराया गया और इसी की वजह से जो इस गांव के लोग हैं वो पानी की समस्या से जूझ रहे हैं और खराब तालाब के पानी को पीने के लिए भी मजबूर हैं। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ संवाददाता जाहिद हुसैन सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पानी की समस्या से लोग काफी परेशान हो रहे हैं, मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक समस्या का निदान नहीं हुआ है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ जानकारी? जो बताना चाहेंगे, कटनी जिले का ढीमर खेड़ा विकास खंड का मामला है, जहाँ पे ढीमर खेड़ा जनपद के अंतर्गत आने वाला तहसील सिरौड़ी है। सिरौड़ी ग्राम पंचायत के अंतर्गत एक गाँव है जिसका नाम है भारत नगर। हालांकि उस तहसील के अंदर 5 से 7 वार्ड ऐसे हैं जहां पे पानी की भारी किल्लत से जूझ रहा है वो पूरा गांव, जहाँ का भारत नगर जो बस्ती है वो एक दलित बस्ती है जहां पे दलित वर्ग के लोगों का निवास है। बताया ये गया है कि वहां पर जो नल जल योजना के अंतर्गत जो पाइपलाइन बिछी हुई है उसकी जो मोटर जल जाने के कारण पानी की इतनी किल्लत हो गई कि लोग घरों के बाहर निकल के गाँव से बाहर बने के तालाब, गंदा तालाब का पानी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है और इस हद तक कि लोग वहाँ पे उसी पानी से खाना भी बना रहे हैं और भोजन भी बना रहे हैं और नहा भी रहे हैं, प्लस पानी जो पीने का स्वच्छ पानी की अगर जरूरत होती है, जो बुनियादी चीज होती है, बुनियादी चीजें तक उनको उपलब्ध नहीं है। गंदे पानी जैसे ढोर जानवर वहां पर दिखाई दे रहे हैं, वो उसमें ढोर लोटते हैं, उन पानी को गाँव वासी पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बड़ी लापरवाही है ग्राम पंचायत के जो कर्ता धरता है या कह सकते हैं कि उस क्षेत्र के जो जिम्मेदार अधिकारी है उनकी घोर लापरवाही की वजह से मोटर जो ट्यूबवेल का जल गया है उस मोटर को समय पर नहीं बनाया जाने के कारण उस तमाम बड़ी परेशानी जो सामने आ खड़ी हुई पानी की किल्लत, क्योंकि वैसे गर्मी का मौसम है, गर्मी मौसम पानी पानी के लिए लोग परेशान रहते हैं, वहीं पे बच्चे हो या महिलाएं या छोटे बच्चे तमाम लोग पानी भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तरह का एक जो बड़ा विभस्त चेहरा जो सामने आया जिला प्रशासन की लापरवाही, उस क्षेत्र के अधिकारियों की लापरवाही, यह अपने आप एक शर्मसार करने वाली बात है। जी, तो चाहे जिस तरीके से लापरवाही के आरोप जिम्मेदार लोगों पर लग रहे हैं तो क्या माना जा सकता है, लोगों की क्या मांग है और आगे क्या कुछ अहम कदम इस मामले में उठाए जा सकते हैं? इसपे जैसा कि प्रशासन को इस बात की सूचना हो गई है और तमाम तरह के चीजों से वो अवगत भी है और कोशिश भी कर रहे हैं, पर देखा जाए तो चूंकि अभी तक किसी तरह की कोई सार्थक प्रयास सामने नहीं आए और गाँव वाले अभी तक पानी पीने के लिए परेशान है और यहाँ तक कि कह सकते हैं कि
वो लोग तमाम तरह की चीजों से जूझ रहे हैं, और पानी चूंकि गर्मी मौसम है, इस समय मई चल रहा है, पानी के लिए सब जूझ रहे हैं, और लोग गंदे पानी को छान कर गड्ढे में से भर कर अपने घरों को ले जा रहे हैं। इस तरह के तमाम चीजों का उनको सामना करना पड़ रहा है। ठीक है जाहिद हुसैन सिद्दीकी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो वहीं आपको बता दें कि कटनी में लगातार जो पानी की किल्लत है उससे लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं, साथ ही अधिकारियों पर प्रशासन पर लापरवाही के भी बड़े आरोप लगाए गए हैं। बता दें कि विगत 5 दिनों से मोटर में खराबी है और उसको अभी तक समाधान नहीं निकाला गया है, और कहीं ना कहीं लोगों में भी काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है और लोग खराब तालाब से पानी पीने के लिए भी अब मजबूर हो गए हैं। आपको बता दें कि ये तस्वीरें आप कटनी से देख रहे हैं जहाँ लोग लगातार आक्रोशित नजर आ रहे हैं और सभी पानी की किल्लत से काफी परेशान हैं।